Hello everyone, today I'll discuss the look and see look disk scheduling algorithm. Look algorithm ko samajhne ke liye samne jo ek model describe hai uske base pe samajh sakte hain. Yahan par ek platform hai aur is paper ko is platform ko clean karna hai, right? Aur yahan par jo comparison kar rahe hain, ye jo kooda hai ye hamari request se hum comparison kar sakte hain aur jo sweeper hai iska comparison hum head se kar sakte hain, theek hai? To ye sweeper move karega प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग से मूव करेगा, कूड़े को साफ करते करते वो जाएगा और बस यहाँ पे स्कैन में वो एंड तक जाता है. लुक एल्गोरिथम में बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम एक डिसएडवांटेज बता रहे थे स्कैन एल्गोरिथम की, कि एंड पॉइंट पे एंड पॉइंट्स के थोड़े से पहले ही अगर उसको ये फील आता है स्वीपर को कि आके कूड़ा ही नहीं है तो उसको एंड तक जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से टर्न ले सकता है, राइट? तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हो. यहाँ पर देखिए स्वीपर को पता चल गया है कि आगे कूड़ा नहीं है तो वो यहीं से टर्न ले लेगा और टर्न लेते लेते वो फिर से सफाई करते करते स्टार्टिंग के पोजीशन तक आ जाएगा, ठीक है? तो सिंपली स्कैन एल्गोरिथम में हम एंड तक जाते थे, लुक एल्गोरिथम में जहां पर आपको पता चल जाए कि आगे कोई रिक्वेस्ट नहीं है वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे और मुड़ते हुए फिर से स्कैनिंग फिर से रिक्वेस्ट को सेटिस्फाइड करते करते आपको फिर बिल्कुल स्टार्टिंग तक नहीं जाना है, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पहले जो भी रिक्वेस्ट है वहां तक जाना है, क्योंकि आपको दिखाई दे जाएगा कि उसके बाद कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो हमें स्टार्टिंग तक जाने की जरूरत नहीं है. तो सिंपली इट इज सिमिलर टू ए स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस दैट द डिस्क आर्म इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू द एंड ऑफ द डिस्क गोज ओनली टू द लास्ट रिक्वेस्ट टू बी सर्विसेज इन फ्रंट ऑफ द हेड एंड देन रिवर्स इन डायरेक्शन फ्रॉम देयर ओनली. सो इट प्रिवेंट्स द एक्स्ट्रा डिले विच अकर ड्यू टू द अननेसेसरी ट्रेवल टू द एंड ऑफ द डिस्क. इसलिए जब हमें पता है कि आगे कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं तो हेड बेवजह एंड तक जा रहा था, तो जस्ट वो वाला जो ट्रेवल है वो हेड का यहाँ पर बच जाएगा. तो एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, हमने वही सेम एग्जाम्पल कंसिडर किया है. यहाँ पर भी इनिशियली रीड हेड 53, यहाँ पर हम 65 पर आ गए, आफ्टर दैट 67, नेक्स्ट 98, देन 122, देन 124 एंड द एंड द रिक्वेस्ट इज 183. अब आपको यहाँ पे पता है कि 183 से 199 तक कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है तो हेड को यहीं पे टर्न ले लेना चाहिए और टर्न लेने के बाद वो फिर से रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करते करते एंड पर उस रिक्वेस्ट तक जाएगा जिसके बाद कोई और रिक्वेस्ट ना हो. तो भी यहाँ पर हम 41 पर आ गए. अब 14 के बाद कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है तो वो जीरो तक नहीं जाएगा और यहीं पर हमारा जो न्यूमेरिकल है वो पार्ट खत्म हो जाएगा. अगर यहाँ पर हम एक, ये तो स्टैटिक केस है, अगर यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हम लें, मान लीजिए 14 में जाने के बाद अब 50 पर अगर रिक्वेस्ट आती है तो 14 से टर्न लेके वो 50 पर आ जाएगा, उसको एंड तक जाने की नीड नहीं है. यहाँ पर जो टोटल मूव्स हैं वो हो गए 299, ठीक है? तो लुक एल्गोरिथम में अगर हम एडवांटेज देखें तो बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू स्कैन एंड शुड बी यूज केस ऑफ द लेस लोड. इसका अगर हम देखें तो स्कैन के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस है क्योंकि जो टाइम एंड एंड में जो पता होता था कि कोई रिक्वेस्ट नहीं है और हेड एंड तक जाता था फिर वापस आता था तो इतना टाइम वेस्ट हो जाता था, तो यहाँ पे वो टाइम बच गया. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लुक एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है बेटर है एज कम्पेयर टू स्कैन. बट येस, यहाँ पर कम लोड है वहाँ ये अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि अगर हम लुक एल्गोरिथम की डिसएडवांटेज देखें तो अब आप ये देखो कि एवरी टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द लास्ट रिक्वेस्ट, तो एक ओवरहेड बढ़ गया कि आपको हेड को हमेशा ये बताना है हर एक मोमेंट पे कि लास्ट रिक्वेस्ट ये वाली है, ठीक है? और फिर उस रिक्वेस्ट के पहुंचने से पहले ही मान लीजिए कोई और रिक्वेस्ट आ जाती है तो फिर से वो डाटा चेंज हो जाएगा, तो हर एक मोमेंट पे वो डाटा अपडेट होता है लास्ट रिक्वेस्ट के कैलकुलेशन का, तो एक ओवरहेड बढ़ गया. इसीलिए अगर लोड बहुत ज्यादा है तो हमें लुक और स्कैन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस बचता नहीं है, क्योंकि हमने बोला है लोड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि लोड बहुत ज्यादा है तो पूरे ट्रैक पे ही होगा,
यानी कि एंड के आसपास भी वो लोड रहेगा और स्टार्टिंग के आसपास भी वो लोड रहेगा ही रहेगा। तो लुक और स्कैन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस या बहुत ज़्यादा आप कहें कि बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आएगी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक ओवर हेड हमेशा बड़ा रहेगा लास्ट रिक्वेस्ट निकालने का। तो इसीलिए अगर कम लोड है तो लुक एल्गोरिथम मे बी बेटर वर्क कर सकता है स्कैन से, लेकिन अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो आप तो हमें स्कैन प्रेफर करना चाहिए, राइट। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द लुक एल्गोरिथम, ओवर हेड टू फाइंड द लास्ट रिक्वेस्ट। और एक डिसएडवांटेज तो रहेगी रहेगी कि लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर रिक्वेस्ट फॉर लोकेशन जस्ट विजिटेड बाय द डिस्क आर्म। तो ये तो स्कैन में भी ये प्रॉब्लम थी कि जिस 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 एरिया से हेड अभी अभी निकल कर गया है और वहाँ पर अगर अब रिक्वेस्ट आ जाती है तो उन्हें बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हेड पहले एंड तक जाएगा रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करते करते, और फिर वापस टर्न लेगा और फिर से जो भी रिक्वेस्ट और आई भी होंगी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते करते हेड फिर वापस आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो ये वाला है लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द रिक्वेस्ट फॉर द लोकेशन जस्ट विजिटेड बाय डिस्क आर्म, ये वाली जो डिसएडवांटेज है वो रिमूव हो जाएगी सी लुक में, जैसे कि स्कैन में सेम डिसएडवांटेज थी और वो सी स्कैन में रिमूव हुई थी। तो जो ये वाली डिसएडवांटेज है ये सी लुक में रिमूव हो जाएगी। एक बार सी लुक को हम पिक्चर से समझ लेते हैं, पर एंड तक नहीं गया है एज पर द लुक पॉलिसी, ठीक है। वो एंड से पहले ही जब उसे पता चला है कि आगे कोई कूड़ा नहीं है तो एंड तक नहीं गया, वहीं पर वो वहीं तक ही जाएगा जहां पर उसको लास्ट कूड़ा मिलेगा। अगर हम इसको हेड और रिक्वेस्ट की फॉर्म में बोले तो हेड वहीं तक जाएगा जहां पर उसको लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी, उसे पहले ही अगर हम ये देख ले कि आगे कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो वहीं से टर्न लेके फिर से इनिशियली पोजीशन पर आ जाएगा। और यहाँ पे इनिशियली भी आपको वही सेम चीज याद रखनी है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं आएगा, वो आएगा स्टार्टिंग में जो पहला कूड़ा है, मतलब स्टार्टिंग में जो पहली रिक्वेस्ट है हेड वहां पर आएगा, ठीक है। तो इस दोनों पिक्चरों में क्लियर है, फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि जो हेड है वो एंड तक नहीं गया है और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो कि जो हेड है वो बिल्कुल शुरू में नहीं आया है। ऐसा करने से जो वेरियंस है वो कम हो जाता है कि जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आई थी चांस उसको मिल जाता है, वेरियंस तो कम हो जाता है यस, बट सीक टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि हेड बिना किसी रिक्वेस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड किए हुए एंड पॉइंट से जब इनिशियल में आता है तो वो उस टाइम पे कोई रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड होती नहीं है, लेकिन यस सीक टाइम लग जाता है, तो वेरियंस कम हो जाता है और सीक टाइम बढ़ जाता है। तो सी लुक भी बिल्कुल जैसे लुक स्कैन की तरह वर्क करता है, तो सी लुक सी स्कैन की तरह वर्क करता है, बस यहाँ पर वो एक लुक वाला फैक्टर और ऐड हो जाता है कि जब एंड में रिक्वेस्ट आपको दिखाई दे जाए कि एंड में कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो वहीं पर रुक जाता है, ठीक है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं सी लुक के कॉन्सेप्ट को एक बार और समझने के लिए। अभी है ये 53 से हम 65 पर आ चुके हैं, देन 67 98 पर आ गए, 122 24 183। अब हमें 199 पर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 183 इज द लास्ट रिक्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो 199 पर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि लुक का कॉन्सेप्ट है, आपको दिखाई दे गया है कि आगे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, हम यहीं से टर्न ले लेंगे। लेकिन ये सी लुक है, मतलब कि सर्कुलर लुक का मतलब है आपको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। हम जैसे कि यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो यहीं से टर्न लेके हम बिल्कुल जीरो पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि लुक का कॉन्सेप्ट है जीरो पे ना जाके हम जीरो के बाद जो पहली रिक्वेस्ट है वहां पर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्शन मूव करके जो भी रास्ते में रिक्वेस्ट आएंगी उनको हैंडल करते करते हम फिर लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 41 ही है नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम 41 पर आ गए और यहाँ पर हमारी सारी रिक्वेस्ट को हमने सर्विस प्रोवाइड हो गई, तो जो टोटल मूव्स हैं वो हैं 326, ठीक है। अगर हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो इसमें जो वेटिंग टाइम है वो बहुत और ज़्यादा यूनिफॉर्म हो चुकी है। लुक एल्गोरिथम में जैसी टर्न लेगा वो उसी एरिया में रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा जिस एरिया में उसने अभी रिक्वेस्ट को हैंडल किया था, तो यानी कि वहाँ पे जितनी भी जो भी रिक्वेस्ट होंगी, एक तो वो कम होंगी रिक्वेस्ट और वो अभी अभी आई होंगी, राइट। और जिस एरिया से हेडर निकल के जा चुका है बहुत देर पहले, वहाँ पे रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी होंगी और अब उनको जो सर्विस प्रोवाइड करने में टाइम लगेगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, तो वेरिएंस बढ़ जाता है।
ठीक है। तो हम एवरेज की अगर बात ना करें तो जो एक यूनिफॉर्म है तो वो मोर यूनिफॉर्म हो गया, वेरिएंस कम हो जाता है सी लुक में एज कंपेयर टू लुक एल्गोरिथम। अगर आप डिसएडवांटेज देखते हो तो ये ओवरहेड टू फाइंड द लास्ट रिक्वेस्ट, ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि लुक एल्गोरिथम है, आपको हमेशा ये देखना है कि लास्ट रिक्वेस्ट कौन सी है और हर मोमेंट पे ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ, अगर लोड बहुत ज्यादा है तो लुक से बेटर स्कैन रहेगा, क्योंकि लुक और स्कैन में ज्यादा डिफरेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि आप मैंने बोला है कि लोड ज्यादा है तो इसका मतलब वो लोड प्रोबेबिलिटी, अगर बोल रहे हैं कि लोड ज्यादा है तो वो पूरी तो पूरे डिस्क में ही, पूरे ट्रैक्स पर ही होगा, ठीक है। तो अगर हम लास्ट निकाल भी लें और लास्ट एकदम से बिल्कुल एंड के बिल्कुल पास है, तो जो इतना ओवरहेड था, ऑल टाइम ओवरहेड कैलकुलेट करने, लास्ट रिक्वेस्ट को कैलकुलेट करने का जो ओवरहेड था वो हम ऐड करे जा रहे हैं और ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। तो अगर देखें, अगर लोड बहुत ज्यादा है तो स्कैन और सी स्कैन इज बेटर देन द लुक एंड सी लुक रिस्पेक्टिवली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।